हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं लाइव जैकेट पहना हूं और भी लाइव जैकेट्स हैं यहां पे। मैं एक बोट के अंदर हूं, एक्चुअली ये स्टीमर कहलाती है, स्टीमर के अंदर हूँ। और मैं एक्चुअली आज मेरा एक बहुत दिन से ये फैंटेसी था कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँ, गंगा नदी में बोटिंग का आनंद दिलाऊँ पटना के अंदर। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आपको सनसेट दिखाऊंगा, लेकिन सन ऑलरेडी सेट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं हो रही होगी, तो ये एक्चुअली एक जनरेटर यहाँ पे चल रहा है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये रहा जेपी सेतु और उधर मरीन लाइन है, मरीन ड्राइव। मैंने कई दफ़े आपको उसका वीडियो दिखाया है, बहुत आला बहुत आला, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। अब आपको ऊपर के डेक पे लेके चलता हूँ, ऊपर के डेक से कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ आपको लेके चलता हूँ। फाइनली दोस्तों, ऊपर के डेक पे जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पे चेयर्स भी अवेलेबल हैं, आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ऊपर से एक अलग मज़ा है। मुझे कैसा लग रहा था कि जब मैं ये स्टीमर पे बैठूंगा तो कुछ टर्बुलेंस जैसा फील होगा, पर दिस इज़ सो मच स्टिल, मुझे इतना डर सा नहीं लग रहा है। मुझे पानी का खौफ है थोड़ा, पर शुक्र है इतना अभी फील नहीं हो रहा है। और इस तरफ सूरज डूब चुका है। कुछ टाइम ऐसा करना चाह रहा था कि ये सूरज आपको डूबता हुआ दिखाऊं, और इस तरफ छठ की कुछ तैयारियां चल रही हैं वो मैं पैरेलली आपको दिखाना चाह रहा था, और ये टाइमिंग सही हो गया। दोस्तों, अब हम लोग जेपी सेतु के बिल्कुल नीचे हैं और यहां से एक ट्रेन गुजर रही है। मतलब मैं इस मोमेंट को क्या ही बयान कर सकूँ कि नीचे मैं स्टीमर में बैठा हूँ, ऊपर एक ब्रिज हो, से ट्रेन गुजर रही हो। वाओ 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 वाओ। और एक्चुअली में अभी हम लोग जो धारा है, जो वेव्स हैं, उसके ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये रही ट्रेन, ऊपर जा रही है। ओ, ओ, ओ। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये कुछ छठ की तैयारियां यहाँ पे चालू हैं, घाट रेडी हो रहा है, और अब धीरे धीरे यहाँ पे लाइट्स जलनी शुरू हो गई है। और जहाँ से हमने शुरुआत किया था वापस उसी डेस्टिनेशन पे वापस जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, पटना में अब घाटों को बिल्कुल प्रॉपरली बैरिकेड कर दिया जाता है, क्योंकि छठ पर्व के दरमियान यहाँ पे कई बार डूबने की घटना हो चुकी है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी टाइट हो गई है। पब्लिक को बिल्कुल से नदी की तरफ आने नहीं दिया जाता है, गंगा नदी की तरफ, तो एक बैरिकेड लगा दिया जाता है यहाँ पे। तो इंतहाई खुशी के साथ ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़िंदगी के एडवेंचर ज़रूर करने चाहिए। मैं थोड़ा मस्तिष्कवर शुरू से रहा हूँ, हमेशा नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और नई चीज़ें देखना, समझना, उसके बारे में जानना। तो आप भी दोस्तों ऐसे एडवेंचर को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करिए, दिली सुकून मिलता है। और एक आपको ध्यान भटकाने के लिए, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है हमारी, ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी के बीच में ना ऐसे एडवेंचर बहुत ज़रूरी है कि आप निकल पड़े सैर सपाटे पे, पानी को चीरते हुए आगे की तरफ। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइटैनिक के जैक डॉसन जैसी फीलिंग आ रही है तो थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रस्सी वस्सी उलझी वसी दिख रही है, लेकिन वो जो येलो वाला पार्ट है ना, वो हमारा डेस्टिनेशन है। हम वापस अभी वहीं पर जा रहे हैं, शुरुआत हमने वहीं से की थी, वहीं से हम निकले थे, एक राउंड लगाया हमने वहाँ से, और वो ब्रिज के नीचे से हम जाके आए हैं। तो फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं
जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पे पटना या पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व मनाया जाता है, वो आपको यहाँ की सजावट और यहाँ के इंतज़ाम से पता चल सकता है। अब हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, इस प्लेस पे हमें जाना है। अब हम लोग बिल्कुल साइड पे आ चुके हैं और इसी भाई साहब ने ड्राइव किया है, उनकी इंडिया स्टीमर है और अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये वो स्टीमर है जिससे हम लोगों ने सफ़र किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट में सुझाव, अच्छा लगा बुरा लगा वो आप ज़रूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब हमारे कुछ यूनिक वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं ऐसे ही कुछ अलग और यूनिक चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाय बाय।